क्रिश्चियन कम्युनिटी दो पुराने लॉज से गवर्न की जाती है, द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869। अगर आप देखेंगे तो क्रिश्चियंस का एक अपना सिस्टम है, जिस तरह से चर्च में वो शादियां करते हैं, चर्च के अंदर उनके सिस्टम्स होते हैं, उसी तरह आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियन डिवोर्स लॉज के अंदर कई सारी स्पेशल चीजें हैं, स्पेशल प्रोविजंस हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स अगर क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट करके कोई और धर्म में चला जाए तो दिस इज ग्राउंड्स, ये एक ऐसी बुनियाद है जिसके बेसिस पर एक बीवी अपने शौहर से डिवोर्स मांग सकती है क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में। उसी तरह रोमन कैथोलिक चर्च का एक बनाया हुआ सिस्टम है मेंसा एटोरो, जिसे क्रिश्चियन डिवोर्स लॉज के अंदर अकोमोडेट किया गया है। यहां तक हम देखते हैं कि कोचिन क्रिश्चियन सिविल मैरिज एक्ट नाम का एक अलग एक्ट है जो कोचिन और ट्रावनकोर ये दो जगहों के लिए खास अप्लाई किया जाता है। जब पारसियों की तरफ हम देखते हैं तो पारसी मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट जो 1865 में पास हुआ, इसका ताल्लुक पारसी मैरिज से है। पारसी मैरिज के अपने लॉज हैं, मिसाल के तौर पर उनके कानूनों में ये भी कानून है कि ब्लड रिलेटिव्स में मैरिज अलाउड नहीं। उसी तरह उनका एक सिस्टम है आशीर्वाद का सिस्टम, जिसके बगैर शादी नहीं होती। हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से ये सारे के सारे रिलीजन्स की अपनी अपनी जो प्रैक्टिसेस है वो सब की कोई हैसियत नहीं रहेगी। हैसियत रहेगी कोर्ट की, और कोर्ट में जाकर एक पर्सन शादी कर सकता है। रिलीजियस कस्टम्स की हैसियत सिर्फ नेम सेक रहेगी।